नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक त्यागी। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फैक्ट। विराट कोहली को वनडे कप्तानी से हटा दिया गया है और उनकी जगह पर रोहित शर्मा को कप्तान बना दिया गया है, जिसके बाद तमाम चर्चाएं चल रही हैं, तमाम तरह की बहस छिड़ गई हैं कि अब इसको लेकर इसके पीछे की वजह क्या है, क्या बीसीसीआई ने बात की थी, क्या नहीं की थी, रोहित शर्मा क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर, बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं। इस तरह के तमाम सवाल आपके जहन में भी होंगे, तो आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहां पर आ गया हूं और मैं बताऊंगा आपको कि विराट कोहली से कप्तानी जाने के बाद जो नए कप्तान है रोहित शर्मा, उनका क्या बयान आया है और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने क्या इस पर बयान दिया है। दरअसल सबसे पहले बता देते हैं रोहित शर्मा को लेकर, जो नए कप्तान रोहित शर्मा है उनका कहना है कि विराट कोहली जैसा खिलाड़ी हर टीम को चाहिए, वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मैच विनर प्लेयर हैं और उनके बिना टीम अधूरी है। मतलब रोहित शर्मा ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उनके बिना टीम नहीं जीत सकते, उनके बिना टीम अधूरी है और उस तरह का खिलाड़ी हर टीम को चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा बयान जो बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने दिया है, क्योंकि सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर बीसीसीआई ने ऐसा फैसला क्यों लिया। ऐसा भी कहा जा रहा है कि क्या 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया था विराट कोहली को और 49वें घंटे में बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला ले लिया। इस तरह की बातें तमाम सोशल मीडिया पर चल रही हैं। तो अब सौरभ गांगुली का बयान इस पर आया है। सौरभ गांगुली ने कहा है कि विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान खुद किया था। अब आप समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सौरभ गांगुली का कहना है कि विराट कोहली ने T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान खुद किया था, उन्हें किसी ने बाध्य नहीं किया था, कोई उन पर किसी ने दबाव नहीं डाला था। अब जब विराट कोहली ने खुद T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था, तो फिर बीसीसीआई ने यह सोचा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में दो कप्तान नहीं होने चाहिए, व्हाइट बॉल क्रिकेट में एक ही कप्तान हो जो टीम इंडिया को बेहतर लीड कर सके। इसी वजह से रोहित शर्मा को T20 के साथ साथ वनडे का भी कप्तान बनाने का फैसला लिया गया। ये सौरभ गांगुली का कहना है विराट कोहली को वनडे की कप्तानी हटाने के पीछे, कि भाई T20 की कप्तानी छोड़ने का तो इन्होंने खुद फैसला लिया था, तब तो किसी ने कोई बाध्य इनको किया नहीं था, ना ही कोई इन पर दबाव डाला गया था। जब T20 की कप्तानी खुद छोड़ने का फैसला इन्होंने किया है, तो वनडे और T20 में अलग अलग कप्तान बीसीसीआई नहीं रखना चाहता है। वो चाहता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट का एक ही कप्तान हो, ताकि टीम इंडिया को बेहतर सामंजस्य के साथ वो कप्तान आगे ले जा सके, व्हाइट बॉल क्रिकेट में सही तरीके से फैसले ले सके। ये सौरभ गांगुली का कहना है कि इसीलिए इसी के चलते विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को वनडे का भी कप्तान बनाया गया है। और सौरभ गांगुली ने एक बात और की, उन्होंने बोला कि जब यह फैसला लिया गया उससे पहले विराट कोहली से बात की गई थी, ऐसा नहीं कि उनसे बात नहीं की गई थी, उनसे बात की गई थी, मैनेजमेंट ने उनसे बात की थी, बीसीसीआई के अधिकारियों ने उनसे बात की थी, तब ये फैसला लिया गया है। और ऐसा नहीं है कि उनको किसी तरह की पाबंदी थी या कोई बाध्य किया गया, कोई अल्टीमेटम दिया गया, ऐसा कोई मामला नहीं था। तो सौरभ गांगुली ने इस बात को साफ कर दिया कि व्हाइट बॉल क्रिकेट का एक ही कप्तान देखना चाहती थी बीसीसीआई, इसीलिए विराट कोहली के जब T20 कप्तान के बाद रोहित शर्मा को वनडे का T20 का कप्तान बना दिया गया, तो उसके बाद में वनडे का भी कप्तान रोहित शर्मा को बना दिया गया है। उसके पीछे की वजह यही थी कि विराट कोहली पहले T20 की कप्तानी छोड़ने का खुद ऐलान कर चुके थे, अब ये बात साफ हो गई है। तो जो तमाम बातें विराट कोहली के कप्तानी छोड़ने के बाद, वनडे की कप्तानी छोड़ने के बाद चल रही थी, वो अब लगभग साफ हो गई है सौरभ गांगुली के इस बयान के बाद। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है वास्तव में कि बीसीसीआई की तरफ से किसी तरह से कोई पाबंदी या कोई अल्टीमेटम विराट कोहली को दिया गया होगा? आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? और क्या वास्तव में आपको लगता है कि विराट कोहली से बेहतर कप्तान साबित हो सकते हैं रोहित शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट में? आपका इस पूरे मामले में जो भी कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।